फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों से निपटने की नीति से बिल्कुल उलट है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की वह घटना, जिसमें भाजपा के ही जिला मंत्री नारायण भदौरिया हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ाकर भगा देते हैं। भाजपा जिला मंत्री ने अपनी हनक दिखाते हुए अपनी जन्मदिन की पार्टी की थी, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। इस पार्टी में ही हिस्ट्री शीटर जिला मंत्री को बधाई व उपहार देने पहुंचा था कि पुलिस ने उसे धर लिया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। सोशल मीडिया पर मामले ने तूल पकड़ा तो पार्टी की फजीहत को देखते हुए भदौरिया को जिला मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया है। राजनीतिक आकाओं के नजर फेर लेने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और उसे भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए उसने दबिश देनी शुरू कर दी है। इस मामले में 9 नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भदौरिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है, सभी के फोटो भी जारी कर दिए गए हैं। पुलिस हिरासत से छुड़ाए जाने के मामले में पुलिस को कई वीडियो मिले हैं, जिनमें से 7 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, बाकी आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। दरअसल नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में भाजपा दक्षिण जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन एक निजी गेस्ट हाउस में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए मनाया जा रहा था। इसमें तमाम लोगों के अलावा गंभीर धाराओं में वांछित अपराधी मनोज सिंह भी पहुंचा था। सूचना पाकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जैसे ही नारायण सिंह को इसका पता चला, वह अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पुलिस की जीप को चारों तरफ से घेर लिया। नारायण ने पुलिस पर मनोज सिंह को छोड़ने का दबाव बनाया, जिसे पुलिस ने इनकार कर दिया। इस पर नारायण भदौरिया और उसके समर्थकों ने हिस्ट्री शीटर को जीप से उतारकर भगा दिया। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में 34 मुकदमे दर्ज हैं। दिलचस्प गंभीर बात यह भी है कि भाजपा नेता नारायण भदौरिया का भी अपना आपराधिक इतिहास है, उस पर भी धारा 307 व 308 जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मनोज सिंह के मामले में उस्मान पुलिस चौकी प्रभारी सुभाष चंद्र की भूमिका भी सवालों के दायरे में है। ये वे सवाल हैं जो अपराधियों व पुलिस के गठबंधन की पोल खोलते हैं। यह भी दर्शाते हैं कि यूपी में पुलिस सत्ताधारी बदमाशों के आगे कितना नतमस्तक है कि पुलिस की जीप से एक बदमाश को भाजपा कार्यकर्ता व जिला मंत्री छुड़ा कर ले गए। बिक्रू कांड व विकास दुबे भी इस ऐसी ही घटनाओं के उदाहरण मात्र हैं। 2 दिन पहले ही भाजपा हाईकमान ने यूपी के ताजा हालात की समीक्षा की है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कामकाज की समीक्षा के बाद उन्हें अभयदान दे दिया गया है, लेकिन कानपुर की इस घटना ने फिर से शासन प्रशासन की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। तभी आनन फानन में नारायण भदौरिया को जिला मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना की रफ्तार जितनी धीमी पड़ी है, उतनी ही अधिक सतर्कता की अब जरूरत है। लिहाजा सरकारी गाइडलाइंस का पालन कीजिए, घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।